वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ और अच्छे अच्छे पोस्ट भी अपलोड किया करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज आपको हम इस वीडियो में वॉशिंग मशीन का पार्ट टू यानी आपको स्टार्टिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर आपको इसका पार्ट वन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पार्ट वन देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब रुजी और आप देख रहे हैं RS इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा था पार्ट वन में मैंने रनिंग की इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, रनिंग कॉइल की वाइंडिंग की थी। इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें और जो चीज़ समझ में नहीं आया आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कर पूछें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और इसका लिंक पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी। अब एक कागज़ देख रहे हैं, यहाँ पर रनिंग का स्टार्टिंग का पहला कॉइल इसमें और इसमें आएगा, दूसरा कॉइल इसमें और इसमें आएगा। तो आपको कॉइल को किस इस तरह से आपको बनाना है, रनिंग कॉइल से हल्का सा छोटा आपका स्टार्टिंग कॉइल रहेगा, उसके बाद आपको कॉइल बना लेना है। दो कॉइलों का आपको चार सेट बनाना है। बना के दिखा दे रहा हूँ और आपको ऐसे ही चार कॉइल तीन कॉइल और बनाने हैं, टोटल आपको चार कॉइल स्टार्टिंग के बनाने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा कॉइल जो है रेडी हो गया है। इसको आपको कॉइल को अच्छी तरह से बांध देना है एक एक कॉइल करके, और बांधने के बाद आपको इसको फर्मे से निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका स्टार्टिंग का डेटा आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको वाइंडिंग करके भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों, इसमें तो आपको स्टार्टिंग कॉइल बनाना है वो आपको 26 नंबर कॉपर वायर से बनाना है, और इसमें जो आपको स्टार्टिंग टर्निंग लेनी है वो आपको 80 और 170 लेने हैं, और इसका जो कॉइल पिच रहेगा वो 4 और 6 रहेगा, और इसका जो 4 कॉइल का आपका वेट आएगा वो 320 ग्राम आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसकी वाइंडिंग करके दिखाते हैं। आपको कॉइल को इस तरह से लेना है, आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इसको आपको इस कॉइल में जो कागज़ का पेपर लगा हुआ था इसमें और इसमें आपको स्टार्टिंग का पहला कॉइल आपको इंस्टॉल करना है। इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर इसको वायर्स को डालने हैं। दोस्तों, इसमें जो कॉपर यूज़ हुआ है वो आपको 26 नंबर कॉपर वायर यूज़ हुआ है। इसमें जो पेपर लगा हुआ है आपको स्लॉट साइज पेपर 7 नंबर या आपको स्लॉट साइज पेपर आपको पीवीसी शीट इसमें लगा देना है। आपको इसको कॉइल बराबर करके यहाँ वाले स्लॉट में आपका बीच में दो स्लॉट आपका छोड़ जाएगा, यानी इसकी जो कॉइल पिच हुई वो आपको 1 से 40 की कॉइल पिच हुई। इसको आपको अच्छी तरह से स्लॉट के अंदर डालने के बाद आपको इसमें पीवीसी शीट 7 नंबर आपको लेना है, पीवीसी शीट लगा देना है। उसके बाद दोस्तों, पीवीसी पेपर स्लॉट साइज पेपर लगाने के बाद इसको कॉइल को आपको अच्छे से बराबर करके नीचे की तरफ दबा देना है, और जैसा देख सकते हैं मेरा इनर वायर हो गया और जो आउटर वायर है वो दूसरे कॉल में एड इस स्लॉट में और इस स्लॉट में दूसरा कॉल मेरा इंस्टॉल होगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एक स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल हो गया है। इसी तरह हम सेम दूसरा और तीसरा और चौथा भी स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे, तो आगे वीडियो में बने रहें, आपको पूरी तरह से आपको दिखाया जाएगा। और दोस्तों, अगर इसको आपको कनेक्शन, इसके कनेक्शन के बारे में जानना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको कनेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। सेम कनेक्शन वैसे जैसे वीडियो में बताया गया वैसे ही इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए दूसरा कॉइल इंस्टॉल करते हैं। दूसरा कॉइल आपको कुछ इस तरह से ले लेना है, और कॉइल को इस तरह से उठा के आपको इस स्लॉट में और इस स्लॉट में आपको इंस्टॉल कर लेना है। यदि दोस्तों अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा मेरा, तो व्हाट्सएप में इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसमें भी 7 नंबर स्लॉट साइज पेपर लगा देंगे, और उसको लगाने के बाद पहले कॉइल की तरह ये भी कॉइल को दबा के नीचे की तरफ दबा देना। ये मेरा इनर वायर हो गया दूसरे कॉइल का, और ये आउटर वायर जो कि मेरा दूसरे कॉइल में ऐड है, आपको देखना है अच्छी तरह से इस स्लॉट में, और इस स्लॉट में आपको इसको दूसरा कॉइल को आपको इंस्टॉल करना है। दोस्तों इसको आपको अच्छे से दबा लेना, दबाने के बाद आपको लेयर बाय लेयर आपको स्लॉट के अंदर डालना है। अगर इकट्ठे आप स्लॉट के अंदर डालेंगे तो आपको कॉइल इंस्टॉलेशन करने में बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लेयर बाय लेयर आप स्लॉट के अंदर डालें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें हमें 7 नंबर पेपर से पेपर लगाना है, स्लॉट साइज पेपर। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल इंस्टॉल ही होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल मेरा इंस्टॉल हो गया है। आपको इसी तरह बाकी का स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करना है, जैसा कि आप देख अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। तो चलिए हम आपको तीसरा कॉइल इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा तीसरा कॉइल स्टार्टिंग कॉइल का है, आपको इस स्लॉट में और इस स्लॉट में आपको इसको इंस्टॉल करना है। स्टार्टिंग का तीसरे कॉइल का पहला कॉइल छोटा वाला कॉइल, अगर इलेक्ट्रिक से जुड़ी और भी वेंडिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे मोटर पराठा और सेलिंग फैन
कि आपको हर पंख की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि देख सकते हैं तीसरा कॉइल का पहला कॉइल इंस्टॉल हो गया, छोटी वाला कॉइल। इसमें हमने 7 नंबर पे सीट पेपर लगाया, उसके बाद इस स्लॉट में हमें ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वायर्स डालने हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा करके वायर्स डालने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इंस्टॉलेशन करते समय। क्योंकि अगर आप इकट्ठे आप डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप वाइंडिंग कर पाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अगर पेपर लगाने में आपको दिक्कत आई तो आपको कॉइल को आगे पीछे करके आपको इसको लगा देना है, और लगाने के बाद इस पे दबा देना है। मेरा इनर वायर जो आप देख सकते हैं हर कॉइल से निकला हुआ है, और आउटर वायर दूसरी कॉइल में ऐड है। अब इसको कॉइल को हमको कुछ इस तरह से लेने और इस स्लॉट में और इस स्लॉट में इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग का तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो गया है। तो हर कॉइल हो गया था, इसको भी आपको दबा लेना है। कॉइल को दबा के अंदर की तरफ अच्छे से इसको दबा देना है। इसमें सावधानियां बरतनी है कि जैसे आपका कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए कॉइल को डालते समय, तो अब इसमें आप कोई स्केल का बारीक स्केल प्लास्टिक जो स्केल आते हो उसका यूज़ कर सकते हैं कॉइल को सीधा करते समय स्लॉट साइज स्लॉट के अंदर। तो ये मेरा तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमें चौथा कॉइल सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे स्लॉट के अंदर। तो ये मेरा चौथा कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल का। ये पहला कॉइल इसमें कागज़ वाले स्लॉट में आपका आएगा, आपको इसको ध्यान से देखना है। यदि दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स करें, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे सबके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, और वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे पोस्ट डाला करता हूँ। यदि दोस्तों अगर आपको इसी कनेक्शन के बारे में जानना है कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, तो उसका एक वीडियो मैंने कनेक्शन का अलग बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेम वीडियो आप ऐसे ही कनेक्शन इसका वॉशिंग मशीन का भी होगा, आपको 1400 RPM का भी ऐसे कनेक्शन होगा, बनानी मोटर का भी आपका कनेक्शन सेम होगा। तो आप उसी तरह आपका आपको वीडियो देख के वैसे ही आपको कनेक्शन करने हैं। यदि दोस्तों आपको 1 HP, 1/2 HP के मोटर
किसी भी कंपनी के मोटर क्रॉम्पटन क्लासिकर या और भी अदर कंपनी के अगर आपको वाइंडिंग के बारे में जानना है तो उस वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको 16 स्लॉट 2800 RPM या आपको 1400 RPM में आपको वीडियो को देखना है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप भी उसको देख सकते हैं। और आपको सीलिंग फैन के बारे में भी जानना है तो सीलिंग फैन की भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यदि दोस्तों आपको इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप कमेंट करिए वहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो का पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका कनेक्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।